कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 2022 में कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों का राशिफल। इसी विषय पे आज आपसे करेंगे चर्चा। जी हाँ, 2022 की शुरुआत में छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा, आपके अगर छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, तो उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, आपको उनका ध्यान रखना होगा। बहनों को स्वास्थ्य अर्थात कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो जबकि यह समय आपके लिए धन के योग का निर्माण कर रहा है, आपको तो धन का लाभ प्राप्त होगा, जिससे चलते आप समय पर बैंक बैलेंस को बढ़ाने में सफल भी रहेंगे। इस साल आप मनचाही वेतन वृद्धि पाने के अलावा लव लाइफ है आपकी, तो उसमें बेहतर कर पाएंगे। और वहीं 26 फरवरी से छात्रों को शिक्षा में उचित परिणाम मिलने की भी संभावना है। आर्थिक तंगी से इस साल मुक्ति की संभावना के बीच आप कर्ज चुकाने में भी सक्षम रहेंगे। और अप्रैल के बाद आपके सामने चुनौतियां, बाधाओं और रोग का समय आ सकता है। चुनौतियां भी आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं और पारिवारिक समस्याएं, कोई रोगी या रोग उत्पन्न हो सकता है, जिससे आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। और इसके साथ ही इस समस्या के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इस समय मानसिक तनाव की भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और बीच में छात्रों के खुशियों का समाचार भी यहाँ पर प्राप्त होगा। छात्र जीवन में खुशियां भी आएंगी और 2022 में आपको खूब मेहनत करनी होगी। ऐसे में उचित रहेगा कि आप मेहनत में स्मार्ट वर्क दोनों जारी रखें, अर्थात वही समय पारिवारिक जीवन में अशांति भी आ सकती है। और अगर 2022 के ही बात करें हम अंतिम महीनों की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह, प्रेम, संग विवाह, प्रेमी अर्थात प्रेम विवाह, इसमें आप बंध सकते हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बंध सकते हैं, और ना विवाह के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ वो बालक हो या बालिका, और वैवाहिक जीवन के लिए साल खुशहाली के साथ साथ संघर्षपूर्ण भी रहेगा। खुशहाली तो प्राप्त होगी होगी, पर यह साल संघर्षपूर्ण भी रहेगा। चुनौतियों का सामना करते करते आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस राशिफल को श्रवण करते हुए और भगवान शिव का पूजन करते हुए जीवन में खुशियों को प्राप्त करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराना चाहते हैं, गृह प्रवेश या वास्तु पूजन का नियम देखना पूछना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, तो हमारे ब्रह्मावर्ती श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के माध्यम से वैदिक आचार्यों के द्वारा ये अनुष्ठान संपन्न कराए जाते हैं। तो पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।